तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं देवीधरा और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक खाम। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं देवीधुरा। काफ़ी भीड़ है देखिए। आज जो खास त्यौहार जो श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, रक्षाबंधन के दिन, बग्वाल, तो चार खाम होते हैं इसमें, जो चार समुदाय मिलके एक दूसरे पर फूल, पहले पत्थरों की वर्षा होती थी इसमें, अब थोड़ा कम हो गया है। तो चलो चलते हैं मेले की तरफ। तो देखिए सामने एक समुदाय खाम युद्ध के लिए जाता हुआ साथ चल।
तो भक्तगण हम पहुंच चुके हैं माता बारह के दरबार, अब शुरू होने जा रहे हैं भगवान मेला। तो लेके चलता हूं आपको दोस्तों प्रांगण में और दिखाता हूं आपको होने जा रही भगवान मेला। तो दोस्तों लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं जो माँ बाराही का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, और मैं खुद आया हूँ यहाँ आशीर्वाद लेने और आप सभी अपने व्यूअर्स को दिखाने भगवान मेला जो होता है रक्षाबंधन के दिन कुमाऊँ के चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर माता बाराही के मंदिर के प्रांगण में। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं भगवान मेला। देख रहे हैं पत्थर आपको दिखाता हूँ।
ये है वो ढाल जिससे हम बचते हैं जब फूलों की वर्षा से और पौधों की वर्षा होती है। दोस्तों आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, द्वार में प्रवेश कर चुके हैं हमारे वीर बांकुरे, अपने अपने ढाल लेके देखिए पहुंच चुके हैं टीम। Thank you.
दोस्तों हर समुदाय अपने अपने ढाले लेके पहुँच चुके हैं और ये आप देखेंगे जब बजवा शुरू होगा, जब नाशपति फूल और आपका पत्थरों की वर्षा होगी तो इन ढालों से अपने रण बांध जो है भगवान मेरे की शान जो चलते हैं। चोट लग सकती है बच्चों को, किसी को भी, इसलिए सबको पीछे हटाया जा रहा है। अब पूरी टीम चक्कर लगाएगी फील्ड का, उसके बाद संघनाथ के बाद शुरू होगा दोस्तों ये रक्षाबंधन में मनाया जाने वाला खास त्यौहार भगवाल मेला। तो आप किससे मारोगे दिखाओगे? देखो नाशपति से मारेंगे भाई लोग, सब देखो नाशपति है, नाशपति की पूरी वो आई हुई है। इसी नाशपति से होगा भगवान मेले की शुरुआत। तो दोस्तों भगवान मेला शुरू होने आ रहा है कुछ ही देर में, तो सबको हटाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी चोट लग सकती है लोगों को, जो लोग देख रहे हैं सब दूर दूर खड़े हैं, मैं भी कुछ दूरी पे जाऊंगा दोस्तों। छत में ही चढ़ना पड़ेगा। भगवान मेले के लिए हमारे युद्धवीर छोटे छोटे पत्थर बनाते हुए, तो लीजिए दोस्तों जिसका आप हम सभी को इंतजार था वो भगवान मेला शुरू हो गया है। एक दूसरे पर पत्थर फूलों की वर्षा हो रही है, नारियल नाशपति जो उनके हाथ में दोस्तों रणबांकुर लगे हुए अपने हाथों से एक दूसरे पर पड़े जा रहे। देखिए काफी जोर भी लग चुके हैं, काफी जोरदार भगवान मेला कुछ हो रहे हैं दोस्तों।
इसी भगवान का आवाहन करने के बाद माता भराई को यम चिंत्याते कानम तम तम प्राप्त निश्चितम की पंक्ति को सार्थक करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 15 साल पहले से चली आ रही जो राज्य स्तरीय मेले की घोषणा थी उसके साकार रूप में आप जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री ने ही प्रदान किया है। हम आपका हार्दिक आभार भी व्यक्त करते हैं। साथियों, हमारे यशस्वी सांसद माननीय अजय टंडा जी, आप एक इधर मनोरिया खान वाली खान अलमोड़े में एक शोर है माननीय, तो शोर हो रहा है, किस किस का हो रहा है? वाली खान और इधर लमोरिया खान का। फिर से जाता है आप ही पर सुधार है। यहाँ की बर्ती धनकोट तक जाती है, धनकोट तक यहाँ की बर्ती बागेश्वर के धनोरा सेवा तक यहाँ की बर्ती है। वहाँ के लोग इस वर्ष बघवाल खेलने के लिए आए हैं, हर तीसरे वर्ष लोग बघवाल खेलने के लिए आते हैं। यहाँ की बर्ती मैं देखता हूँ कनाली खीना, कनाली खीना के लोग भी यहाँ बघवाल खेलने के लिए आते हैं। यहाँ भी हमारे कुछ सदस्य वहाँ भी है। यहाँ खटीना में लमोरिया परिवार है जिनको हमारी भारत सरकार ने जब हमारा एक डेरा पंडुपी के रूप में डूब गया था तो हमारे लमोरिया खान के वीर ने सारी माता को नमन किया। हमने वहाँ भी पुजारी भी आ गए हैं, सज्जनों पुजारी जी आ गए हैं, हमारे प्रधान पुजारी देखिए माँ बहराई देवी की गुफा और ये है मंदिर। सामने से भी आप एंट्री कर सकते हैं और ये आप दूसरा रास्ता है ये जहाँ से आप एंट्री करके वो सामने मंदिर जो प्रांगण था वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं हूँ दोस्तों पवित्र माँ बहराई की गुफा में, देखिए सामने, और आपको लेके चलता हूँ गुफा के दर्शन कराने। दोस्तों आइए, तो यहाँ पर भी आशीर्वाद लेते हैं देखिए। और मैं हूँ जय माँ बाराई पवित्र गुफा गर्भजूत के अंदर। जय हिंद। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ जय माँ बाराई। जय जय।
चलो चलो बेटा चलो आगे चलो 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 तो तो फाइनली दोस्तों आ पा रही माता के दर्शन कर लिए और गुफा के दर्शन कर लिए, चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो दोस्तों बग्वाल खत्म होते ही गांव वाले आसपास वाले सब जाने लग गए। देखिए आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितने पत्थर गिरे हुए। देखिए यहाँ पर पत्थर ही पत्थर दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों फूलों और नाशपाती के अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप ईंट पत्थर का कितना यूज हुआ है इस बग्वाल मेले में। काफी ज्यादा संख्या में मुझे फील्ड में हर जगह पत्थर ही पत्थर और ईंट के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। एकदम हाथ ही नहीं आता है ना। ललित हाँ
जय देवी मैया की जय, जय देवी मैया की जय। तो देखा आपने दोस्तों कैसे हमारे युवा माता के दरबार में बड़े से पत्थर को उठा के अपनी शक्ति प्रदर्शन को करते हुए और माता का आशीर्वाद लेते हुए। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। मेले में काफी देखो पकवान जलेबी ऊपर भी झूले वूले लगे हैं दोस्तों। वो देखो झूले लगे हुए, भीड़ अभी काफ़ी है क्योंकि आसपास गांव से आए हुए हैं लोग, दूर से आए मेरी तरफ ब्लॉगर भी आए हुए हैं। दो अड़तालीस तो भगवान मेले की समाप्ति के बाद आपका दुखोज भी आपसे अलविदा लेते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और अगले नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।